देख पीछे से बना लो, पर वैसे पहले पंकज जी हल्का सा पीछे जाने चमक दीजिए। ठीक है लोन के लिए अपना एप्लीकेशन दिया तो मुझे पता चला कि उनके नाम से पहले से एक कार लोन वहाँ पर पहले से, तो उसकी जांच पड़ताल के लिए हमारी टीम लगी हुई थी और उसी जांच पड़ताल में इस गैंग के बारे में हमें पता चला। ये लोग ऐसा करते थे कि किसी भी आदमी का ITR अकाउंट और पैन नंबर आधार कार्ड यूज़ करके बैंक में अकाउंट खुलवाते थे और वहाँ से फिर लोन सेंक्शन कराते थे गाड़ी का। उस लोन जो सेंक्शन होता था उससे फिर ये किसी शोरूम से गाड़ी उठाते थे, उस गाड़ी को ये आगे किसी को आधे दाम में बेच देते थे और कुछ उससे किस्त भी भरवा देते थे, जिससे ऐसा हो जाता था कि जो बीच में इनको जो फ़ायदा हुआ वो इनका प्रॉफिट हो जाता था और बैंक को ओवरऑल नुकसान होता था। तो इसमें अभी तक जो हमने गिरफ्तार किए हैं वो चार आदमी हैं, अंकुश त्यागी, आलोक त्यागी, संदीप और सुधीर। ये चारों ही मुजफ्फरनगर के ही रहने वाले हैं और इनसे पूछताछ में पता चला है करीब 3-4 साल से ये कर रहे थे और करीब 15 गाड़ियाँ इन्होंने ऐसी की हैं, 4 हमने रिकवर की है जो ऐसी गाड़ियाँ हैं और भी अभी हम जानकारी कर रहे थे और किस किस को दी है। इनके पास से हमें एक सेल्टॉस, एक वेन्यू, हैरियर, क्रेटा, ये 4 गाड़ियाँ मिली हैं और अभी तक इनका कोई आपराधिक इतिहास अभी यहाँ पर नहीं पता चला है और हम जानकारी करेंगे और जनपदों में नहीं है और जो इनके साथी हैं जो इनका साथ देते थे उनकी भी हम जानकारी। ये पता चला हो कितनी गाड़ी इन्होंने अब तक 15 सर थोड़ा नीचे का खुलासा किया गया है। ये आज थाना नई मंडी पुलिस ने एक गैंग का पर्दाफाश किया है। ये जो गैंग है ये जो फाइनेंस होती फाइनेंस की गाड़ियां करवा के आगे बेचता था और उसके बीच में प्रॉफिट कमाता था। इसमें 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, अंकुश त्यागी, आलोक त्यागी, संदीप और सुधीर। ये चारों ही यहाँ मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। इनके पास से 4 गाड़ियाँ भी बरामद हुई है, एक सेल्टोस, एक वेन्यू, एक हैरियर और एक क्रेटा। और इनसे अभी तक जो पूछताछ की है उसमें ये पता चला है कि ये लोग किसी भी आदमी का फर्जी ITR वगैरह यूज़ करके बैंक में अकाउंट खुलाते थे, उस बैंक अकाउंट में फिर लोन सेंक्शन कराते थे कार का, उस कार के लोन से ये गाड़ी खरीदते थे और फिर आगे किसी आदमी को आधे पौने दाम में इसको बेच देते थे जिससे इनको फ़ायदा होता था। और जो फाइनेंस की किस्त थी क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट फर्जी होते थे तो बैंक को ओवरऑल नुकसान होता था। इसमें इनके साथ जैसे मैंने बता दिया 4 लोग हैं और भी इनके कुछ साथी हैं, उनको भी हम जानकारी कर रहे हैं, उनको भी हम शीघ्र गिरफ्तारी करेंगे। और ये जो ओवरऑल जो हमें गैंग है वो पता चला है क्योंकि एक आदमी था मंडी क्षेत्र का ही, वो बैंक गया अपना लोन की एप्लीकेशन दी तो उसमें पता चला कि पहले से उसके नाम से कार लोन सेंक्शन है। फिर हमने इसकी ओवरऑल जांच पड़ताल की तो ये खुलासा हुआ। नहीं, इसमें मुझे इतना बताना है क्योंकि इन्होंने एक ही बैंक से सारे लोन सेंक्शन कराए तो संभावित है कि जो बैंक है वहाँ बैंक का जो कर्मी हो कोई वो इसमें संलिप्त हो, उसकी भी हम जानकारी कर रहे हैं, उसको भी हम शीघ्र बता रहे हैं। ठीक है सर, कितनी गाड़ियाँ इन्होंने जो है वो करी है जो लोन? ये अभी तक जो पूछताछ में इन्होंने बताया करीब 15 गाड़ी क्योंकि 3-4 साल से इसमें लगे हुए थे, 4 हमने रिकवर की है अभी और इसमें हम जानकारी कर रहे हैं। इनका कोई पुराना नहीं, इनका कोई लग्जरी गाड़ी भी है जिसमें सारी लग्जरी।